स्टूडेंट्स वेलकम टू फिखरेजा ट्यूशंस। आज आप कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर थर्ड लगान लगे हैं। एरे विच आप क्वेश्चन आंसर करांगे जो मैंने तुम्हें होमवर्क ले दिते सी। आई होप तुसी पहला वाले दो लेक्चर्स देख ले होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज अल्फाबेट्स याद कर लिया होंगे, कंसोनेंट्स वोवल्स बारे सुनो याद हो गया होएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फॉरवर्ड काउंट बैकवर्ड काउंट ये सारा तुसी समझ के होंगे। मैंने सुनो अल्फाबेटिकली कोडिंग करवाई सी, उस तो बाद उस दे रूल्स दसे सी, 10 रूल्स दसे सी, फिर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किते सी, कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क ले दिते सी। आई होप तुसी वो क्वेश्चंस करके आए होंगे। इस लेक्चर दे विच आपा अल्फाबेटिकली कोडिंग नू आज कंप्लीट कर देना एंड नेक्स्ट लेक्चर तो आपा न्यूमेरिकल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फिक्टियस कोडिंग ये सब स्टार्ट कर लेना है। इस लेक्चर दे विच मैं सब तो पहला जो क्वेश्चन होमवर्क ले दिते सी वो करवाऊंगी, ठीक है जी। उस तो बाद एक अल्फाबेटिकली कोडिंग दी क्विक रिवीजन दूंगी। कोई भी डाउट होएगा तुसी मेरे तो पूछ सकते हो। डेली थोड़ी रीडिंग के दो क्लासेस होया करेंगी हैं जी, उन्होंने अटेंड करना है, ठीक है जी। देखो जी आपने बठिंडा वाला क्वेश्चन कर लिया सी, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज examination is written as, यही वाला मैंने दिता सी, in a certain code language examination is written as, examination the code बच्चा given है, की given है जी, f g o j k p o b L, K and P. तो उसी किस डे कोड फाइंड आउट करने हैं? इन डे कोड तो उसी फाइंड आउट करना है जी। देखो अपने एडिशन रूल किता, उस तो बाद सब्ट्रैक्शन रूल किता, साइमेंटेनियसली एडिशन सब्ट्रैक्शन किता, फिर इंटरचेंज किता, रीअरेंज किता, काफी सारे रूल्स अपने नियर अबाउट 10 रूल्स अपने किते, ठीक है जी। हुन देखो एग्जामिनेशन दे विच अगर आप सब तो फर्स्ट देखिए ई तो बाद एफ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਆਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਤੇ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਐਮ ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ 3 ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, एडिशन सब्ट्रैक्शन साइमेंटेनियसली एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटरचेंजिंग रीअरेंजमेंट कुछ नहीं हो रहा। आपने ये चेक करना है कि जो ए आई एम है, जो ए आई एम आपां नूं गिवन है कि यह तीन अल्फाबेट्स एग्जामिनेशन दे विच हैगे, अगर हैगे हैं तो जरूर कोई अल्फाबेट रिपीट भी हो रहा होगा, मीन्स ए की रेपीटेशन हो रही होगी या आई की रेपीटेशन हो रही होगी या एम की रेपीटेशन हो रही। अगर रेपीटेशन हो रही है तो आप चेक करेंगे कि ओहो जिमें कि ए दी रेपीटेशन हो रही है कि दोनों ए दा सेम कोड है, देखो जी कि दोनों ए दा सेम कोड है, ए दा कोड गिवन है जी ओ, ए दा कोड गिवन है जी ओ, मीन्स ए दा कोड की आएगा ओ आएगा, आई के इथे भी अपन आई दा देखो जी आई थर्ड ते है, आई दा अपन के दिता होया जी, ठीक है। इथे भी आई के है, इथे भी आई के है, ता आई दा की आ गया जी, के आ गया। एम दी रेपिटेशन नहीं हो रही, कोई गल नहीं जी, आपां डायरेक्ट ही इसका लिख दांगे ओ के जी। याद होए ता मैंने थोनू रूल्स दे विच इक नो पैटर्न दस्या सी, ओहो एही चीज है जी, नो पैटर्न क्वेश्चंस। क्लियर है, कोई डाउट? बिल्कुल इजी सी। अगर रेपिटेशन ना भी हो रही होवे, अगर रेपिटेशन ना भी हो रही होवे, वैसे तो हमें होएगा नहीं, नो पैटर्न क्वेश्चंस के विच एक अल्फाबेट दी तो रेपिटेशन होएगी ही होएगी। बाय चांस रेपिटेशन नहीं हो रही, सोडा कोई भी रूल नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, फिर तुसी इस तरीके का क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है जी, रूल्स सारे नु लर्न है, याद है जी सारे रूल्स जो मैंने दसे सी। एक बार आपा दोबारा देख लेने हैं की रूल सीगे, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल,
एडिशन रूल बिल्कुल सिंपल क्लियर हो गया, सबट्रैक्शन रूल साइमल्टेनियसली एडिशन सबट्रैक्शन इंटरचेंज, आप इंटरचेंज कर देते हैं आगे पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रीअरेंजमेंट वन लेटर इक्वल्स टू टू लेटर ठीक है ऑपोजिट फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंट ए आगे आएगा जी क्वेश्चन नो पैटर्न जो आपा ने किया है जी नो पैटर्न ठीक है कोई पैटर्न नहीं बस अल्फा ऊपर वाले अल्फाबेट्स के बीचों देख के गिवन फाइंड आउट करना है लेटर काउंट ए भी आगे आएगा जी कंसोनेंट एंड वोवल्स ए भी आगे आएंगे ठीक है जी क्लियर है ये 10 रूल्स याद है ना बच्चों उस तो बाद इना दी न्यूमेरिकल वैल्यूज याद होनी आ रहे हैं एक बार हैंड रिवीजन रिवीजन भी करवा देनी है नेक्स्ट आ जाओ जी इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉम्बे इज रिटन एज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉम्बे इज रिटन एज की कोड गिवन है जी बॉम्बे का बॉम्बे का की कोड गिवन है बच्चा एन पी सी जेड बी सी देन यू हैव टू फाइंड द कोड ऑफ कैनेडा राइट देखो जी सब तो पहले ये एडिशन ही हो रही है सबट्रैक्शन भी नहीं हो रही जी कुछ नहीं हो रहा है ता है ना अगर नंबर्स लिखना चाहो ऊपर नंबर्स लिख सकते हो आई होप याद कर रहे होंगे सारे नहीं लिखिए फिर नंबर्स लिखिए आप चलो जी 2 ओ दा की है जी 15 एम 13 2 1 25 14 16 3 26 2 3 काफी स्टूडेंट्स को उधर क्लियर हो गया होएगा फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स स्प्लिट कितने हैं 13 तो 14 15 तो 16 2 तो 3 देन नेक्स्ट 3 अल्फाबेट्स को स्प्लिट कितने हैं 25 टू 26 1 टू 2 एंड 2 टू 3 मींस इन्हा ने तीन तीन अल्फाबेट्स को स्प्लिट करके ओदे विच एडिशन रूल इंप्लीमेंट किया है रिवर्स ऑर्डर सी ए एन है एन का की आ जाएगा ओ ए द बी सी द टी उसके बाद नेक्स्ट 3 ए डी ए ए दा आ जाएगा बी डी दा आ जाएगा ई ए दा आ जाएगा बी क्लियर है जी स्प्लिटिंग हुई है एडिशन हुई है एंड रिवर्स रिवर्स फॉर्म दे विच ही एडिशन हुई है ना तो ये विच देखो एक क्वेश्चन दे विच आपने तीन रूल्स लगा दिए गए हैं ठीक है की रूल्स लगाए हैं फर्स्ट इन्होंने स्प्लिट करता 3-3 दे विच स्प्लिट किया ठीक है उस तो बाद ऐड करता जी की में ऐड किया रिवर्स 3-3 अल्फाबेट्स नू रिवर्स करके इन्होंने ऐड किया क्लियर है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाल ट्राई करो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझ आ रही है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अमेरिका ए एम ई सिंपल जा फंड है स्टूडेंट्स कुछ ना समझ आए न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लो न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखने तो बाद कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाना है ठीक है जी कुछ ना कुछ पता लग ही जाना है वैसे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुसी क्वेश्चन जदों ये लिखोगे ना जिवें अमेरिका का कोड लिखा एफ एन बी एस बी डी जे तुसी तुरंत समझ जाओगे कि ये विच की हो रहा है एडिशन हो रहा है सबट्रैक्शन देखो जी सेम है ई तो बाद एफ एम तो बाद एन ए तो बाद बी आप इतने भी पहला तीन वर्ड्स तीन अल्फाबेट्स का ही करांगे टी तो बाद की आएगा यू ए तो बाद बी पी तो बाद क्यू तीन हो गए पीछे बचे चार इतने भी देखो जी चार ही बचे हैं सेंटर वाले नू एज इट इज इन्होंने ऐड करते हैं आप भी सेंटर वाले नू एज इट इज ऐड कर देंगे आई आई तो बाद की आएगा जी देन ए तो बी सी तो डी आई तो जी ए तो बी एल तो एम ए तो बी क्लियर है जी
बच्चे कदे भी फर्स्ट टू अल्फाबेट्स नू देख के या थ्री अल्फाबेट्स नू देख के पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर देना, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। ओदा की रीजन है, मैनी टाइम्स की हुंदा है, फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स ते कुछ होर रूल इंप्लीमेंट किया होया हुंदा है, नेक्स्ट थ्री ते कुछ होर रूल इंप्लीमेंट किया होया हुंदा है। अगर तुसी फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स देख के ही आंसर मार्क करोगे तां ओहो गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ते आओ जी। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज थ्री इज रिटन एज, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज थ्री इज रिटन एज, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज थ्री इज रिटन एज, की कोड दिता हुआ है? आर जे क्यू एफ एफ। तुसी किसका कोड फाइंड आउट करना है बच्चे? देन द कोड ऑफ हितुल विल बी 245 अल्फाबेट्स, 245 अल्फाबेट्स। एस एस तो पहला आ रहा है, एच एच तो पहला जी आंदे, आर आर तो बाद क्यू आंदे, राइट? या पहला आंदे? वेरी गुड, पहला आंदा है जी, क्यू 17 आर 18 राइट टू वोट। उन्हें समझ आ रहा है? ई एफ ई एफ। ठीक है चलो जी, हूँ आप कर दिए फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स के बीच की कितने जी इन्होंने सब्ट्रैक्शन हुई है, आर 18 है, एस 19 है, जी 7 एच 8 क्यू 17 आर 18। चलो जी, एच तो पहला की आएगा जी, आई तो पहला एच, टी तो पहला एस। नेक्स्ट इन्होंने की किया है जी, एडिशन की है, यू तो बाद वी, एल तो बाद एम। सारे बच्चों का आंसर आ जाऊगा जी, जी एच एस वी एम। उस तो बाद स्टूडेंट्स देखेंगे जी ऑप्शन, ऑप्शन दे विच ये आंसर है नहीं जी, ये ऑप्शन गिवन ही नहीं है। फिर स्टूडेंट्स देखेंगे जी नन ऑफ दीज हो सकते जी, नन ऑफ दीज हो सकते, आप नन ऑफ दीज मार्क करो, लेकिन फिर आप देखेंगे कि नन ऑफ दीज तो है ही नहीं है, ऑप्शन दे विच नन ऑफ दीज गिवन ही नहीं है। परेशान हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कहोंगे जी क्वेश्चन गलत है, छाड़ दो ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, यह क्वेश्चन नहीं गलत, ठीक है, एदे विच एक रूल होर इंप्लीमेंट हो सकता है। चीज सोनू एक्सप्लेन की है, ध्यान नाल सोचो की हो रहे है जी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ध्यान नाल देखो जी की हो सकता है। तीन अल्फाबेट्स दे विच सबट्रैक्शन, दो दे विच एडिशन, तीन दे विच सबट्रैक्शन, दो दे विच एडिशन, की चेक करांगे? जेड़ना विच सबट्रैक्शन हो रही ही है ओ की है बच्चा, ओहो हैं जी कॉन्सोनेंट्स, ओहो की हैं जी कॉन्सोनेंट्स, जिन्हां दे विच एडिशन हो रही है जी ओहो की है बच्चे वोवल्स, मीन्स कॉन्सोनेंट्स दे विच एडिशन हो रही है, वोवल्स दे विच सबट्रैक्शन हो रही है, यही अपना एक रोल सी कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स वाला, ओहो इहदे विच इंप्लीमेंट हो रहा है। एच की है कॉन्सोनेंट है, तो ये की होएगा सबट्रैक्शन होएगा, टी की है कॉन्सोनेंट है तो सबट्रैक्शन हो जाएगा जी, एल एल की है जी कॉन्सोनेंट सबट्रैक्शन, आई एंड यू की है जी, आई एंड यू की है जी वोवल्स, तो एनएच की हो जाएगी एडिशन हो जाएगी। आई तो बाद की आएगा बच्चे जे, यू तो बाद की आएगा बच्चे वी, तो दिस इज योर राइट आंसर। चेक करोगे 100% सोनू ऑप्शन के विच देखने नू मिलेगा। समझ आई? कोई भी क्वेश्चन नू गलत समझ के नहीं छड़ना, ये 10 रूल्स नू इंप्लीमेंट करना है तोड़ फोड़ के एवें ही, इस तो इलावा होर कोई रूल मेरे ख्याल च तो नहीं लगेगा।
रिवर्स हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, प्लस थ्री प्लस टू, ये सारा कुछ होता जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए जी अगे। हाँ जी, ये मैंने सानू सेकंड लेक्चर के विच कुछ क्वेश्चंस दिते सीगे करन लई, कुछ टेक्निकल इशू होन करके आपा क्वेश्चंस नू कंप्लीट नहीं कर पाए सी। मैं होमवर्क लई दे दिते सी, ट्राई किते हैं बच्चों, घर जाके ट्राई किते सी तुसी, होए हैं क्वेश्चंस तां दसो। हाँ जी, करके आए हो स्टूडेंट्स? करिए बच्चा स्टार्ट। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन अपना की है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना की है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज क्रिएटिव इज रिटन एज, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज क्रिएटिव इज रिटन एज बी डी एस, बी डी एस, बी एफ यू जे एस। आई दिता होया जी? ठीक है। देन द कोड ऑफ ट्राइंगल विल बी, देन द कोड ऑफ ट्राइंगल विल बी। ध्यान ना समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो जी, क्रिएटिव सी आर ई ए टी आई वी ई, कोड गिवन है जी बी डी एस बी एफ यू जे एस। किस वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है बच्चा? ट्रायंगल का कोड तुसी फाइंड आउट करना है। समझ आ रही है जी? ठीक है, करो जी। किमें करोगे? देखो जी, टोटल अल्फाबेट्स 8 हैं। ठीक है, अगर आप देखिए, सी आर ई ए टी आई वी ई क्रिएटिव है। आप इतों सोच सकते हैं कि ए तो बी आ गया जी, फिर ई तो रिवर्स हो गया, डी आ गया जी, आर एस आ गया जी, सी फिर अपना माइनस हो गया जी। ठीक है, एम ही ई तो अपना एफ आ गया, एडिशन होया, फिर सब्ट्रैक्शन होया। ठीक है जी, फिर एडिशन हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन हो गया जी। ठीक है जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल आ ही हो रहे हैं जी। ए तो बी, ई तो डी, आर तो एस, सी तो बी, एमें ही ई तो एफ, वी तो यू, आई तो जे, टी तो एस। ट्रायंगल, ठीक है, ए तो की होया सी, एडिशन होया सी, सेम इथे भी एडिशन करांगे, ई तो डी आया सी, आई तो पहला की आंदा बच्चा एच आंदा, देन एडिशन होया सी, देन सब्ट्रैक्शन होया सी, सेम एडिशन ई तो, देन सब्ट्रैक्शन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। सो आंसर की आ जाएगा बच्चे? इसका आंसर आ जाएगा जी बी एच एस एस एफ के एच एम, फर्स्ट आंसर आ जाएगा जी। क्लियर है बच्चा? कोई डाउट? कोई डाउट बच्चा? कोई डाउट नहीं है जी? समझ आ गया? ये कल वाले लेक्चर का क्वेश्चन है जी, कल अपना रह गया सी ये क्वेश्चन करना। ठीक है, इस आंसर की आ जाएगा दिस वन। नेक्स्ट आ जाओ जी, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज क्लाउड, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज क्लाउड इज रिटन एज, क्लाउड इज रिटन एज
जी टी आर के एफ. यू हैव टू फाइंड आउट द कोड ऑफ साइट. किसका कोड फाइंड आउट करना है जी? साइट का. सी डी ई एफ जी. एडिशन बहुत ज्यादा हो जाएगी जी, करके देखो. सी 3 है, देन 7 है, एल 12 है, देन 20 है. नहीं बनेगा जी, फिर अगे सब्ट्रैक्शन का कुछ नहीं हो रहा जी, है ना? नहीं होगा ना. फिर हम की हो सकता है जी? बैक तो करके देख लेने हैं. डी ई एफ जी 3 ऐड हो गए. यू यू कितना होंगे जी? 21. ये आ गया 20. डी ई एफ जी +3 होया जी, ठीक है. यू इसके विच की होया जी? माइनस हो गया जी. अपन नेक्स्ट देखने हाले. ओ ए विच भी 3 प्लस हो गया जी. पी क्यू आर. एल माइनस हो गया जी. सी डी ई एफ मीन्स आपने बैक तो देखना है, ठीक है. +3 पोजीशंस फॉरवर्ड हो रहे हैं, -1 हो रहे हैं, +3 हो रहे हैं, -1 हो रहे हैं, +3 हो रहे हैं. क्लियर है जी? साइट देखो, साइट का कोड फाइंड आउट करेंगे आप. बैक तो देखेंगे, +3 हो रहे हैं. टी यू वी डब्ल्यू माइनस होएगा. एच तो पहला की आएगा जी? जी आएगा. जी एच आए जे आएगा जी. आए तो पहला की आएगा जी? एच आएगा. एस टी यू वी. सो राइट आंसर इज डी. क्लियर है? एनी डाउट? चलिए जी अगे आओ जी. इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज मंकी इज रिटन एज. मंकी का कोड गिवन है. की कोड गिवन है जी? बच्चे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है. बिल्कुल इजी चैप्टर है ते 3 क्वेश्चंस में बार बार कह रही हूँ कि इसके विच आएंगे ही आएंगे. चैप्टर कंप्लीटेशन ते मैं जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे एक बार सुनकर करवा देंगे, ठीक है जी? देखो जी, अगर तुसी प्रैक्टिस कर ली है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. रिवर्स देखो, वाई तो एक्स माइनस होया ना, ई तो डी माइनस होया, के तो जे माइनस हो गया, एन तो एम, ओ तो एन एंड एम तो एल. रिवर्स करके माइनस कितना होया? आर तो एस एस वाला आएगा. देखो जी, एस एस वाले अपने को दो हैं, ठीक है. चलो दोनों लेके चल दिया. ई तो पहला की आएगा डी. बस पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज ये है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज आ नहीं सकता, तो आप सीधा ही इसका आंसर मार्क करता. क्लियर है बच्चा? कोई डाउट? ध्यान नाल देखो बच्चे, सही कीते आपां ने. चलिए जी अगे. चलो जी, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज आपन काफी बड़ा वर्ड दिता हुआ है ब्रेक थ्रू. अगर कोई एमए वर्ड दिता हुआ होवे काफी बड़ा, तो हमेशा ज्यादातर पेयर्स के विच ही क्वेश्चन सोल्व होता होंगे. तो जब तुसी नोट डाउन करो, ठीक है, तो उसनु पेयर दी फॉर्म दे विच ही लिखना शुरू करो. बी आर ई ए के एच टी एच आर ओ यू जी एच. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 अल्फाबेट्स हैं. डिस्ट्रीब्यूशन के विच देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
इस दे विच की है जी 12 अल्फाबेट्स हैं। इस दे विच बच्चा थोड़ी मिस्टेक हुई है, ए वाला एच नहीं आएगा जी, ब्रेक थ्रू है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है बच्चा है। ठीक है जी, चलिए अगे। हाँ जी, इसका कोड की दिता हुआ है ई ए ओ यू एच आर बी आर जी एच के टी, दिख रहा है सारा सेम आ रहा है, बी आर ई ए ओ यू जी एच, सारा मीन्स इसका ही रिवर्स करके या इंटरचेंज करके पेयर्स बना के कुछ किया हुआ है। ठीक है जी, देखो जी आपा की करना है, फर्स्ट पेयर बना लेना है बी आर, देन ई ए सेकंड बन गया, देन के टी एच आप डिलीट करता सी ना जो, थ्री बन गया, देन एच आर अपना फोर बन गया, ओ यू अपना फाइव बन गया, जी एच सिक्स पेयर बन गया। हुण आपने पेयर्स नू अरेंज कर देना है, सब तो फर्स्ट केड़ा पेयर आया है टू ई ए, सब तो फर्स्ट केड़ा पेयर आ गया ई ए, देन ओ यू केड़ा पेयर है फिफ्थ, देन एच आर केड़ा पेयर है फोर्थ, बी आर केड़ा पेयर है वन, जी एच सिक्स, के टी थ्री। क्लियर है, कोई डाउट जी? कोई डाउट नहीं है जी, समझ आ गया अच्छी तरह। एवें ही हुण आपां ने की करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का पेयर बना लेना है। देखो जी डिस्ट्रीब्यूशन का आपां ने पेयर बना लेना है, डी आई एस टी आर आई बी यू टी आई ओ एन, डिस्ट्रीब्यूशन का की करना है आपां ने पेयर बना लेना है जी। बनाओ पेयर्स, बनाओ बच्चा। पेयर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स पेयर आपने बच्चे बना लेने हैं। उस तो बाद आपने पेयर्स नू ओमे ही अरेंज कर देना है, उस तो बाद पेयर्स नू आपने ओमे ही अरेंज कर देना है, जिमें कि ब्रेक थ्रू दे होए सी टू फाइव फोर। करिए जी, टू सब तो पहले टू वाला आएगा, टू वाला पेयर केड़ा है एस टी एस टी, देखो जी एस टी एस टी दो ऑप्शन से विचार रहे हैं, फिर अपना फाइव वाला आएगा टी आई सेम आ रहे हैं जी, फिर अपना फोर वाला आएगा बी यू सेम आ रहे हैं जी, उस तो बाद वन वाला आएगा डी आई डी आई, देखो सिर्फ थर्ड दे विच है अपना, बी दे विच नहीं है, सो आंसर इज सी, आंसर की आ गया सी आ गया। कदे भी कोई इन्ना बड़ा क्वेश्चन आए, मीन्स इन्ने सारे अल्फाबेट्स होन एक वर्ड दे विच, तां तुसी की करना है सिंपली तुसी पहला देख लो कि कितने सेम अल्फाबेट्स की रेपीटेशन तो नहीं हो रही, अगर सेम अल्फाबेट्स की रेपीटेशन हो रही है तां ओहो 100% थोड़ा की होएगा जी, पेयरिंग वाला क्वेश्चन होएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ जी, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, हुण सानू कोड पहला दे रखे है, कोड पहला दे रखे है बर्ड विच दे रखे है, आपां देख लेने हैं। कई बार की हुंदा है कोड तो वर्ड बनाना हुंदा है, कई बार वर्ड तो कोड तो आपां हमेशा बनाते ही आ रहे हैं सारे क्वेश्चन के विच। ठीक है चलो जी, आपां उपर वर्ड ही लिखांगे, एन ओ आर टी एच, देन जी एस के जेड डी जी, बच्चे इस क्वेश्चन थोड़ी जी मिस्टेक होगी, टाइपिंग एरर है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इसका आना चाहिए सी हेल्थ
इज कोडेड एज, हेल्थ इज कोडेड एज दिस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कोड ऑफ नॉर्थ। इस क्वेश्चन से थोड़ी जी गड़बड़ होगी बच्चा। देखो जी, हेल्थ का कोड की गिवन है, GSKZDG। एच तो पहला जी, टी तो पहला एस, एल तो पहला के, ए तो पहला जेड, ई तो पहला डी, एच तो पहला जी। सेम नोट से विच कर दो आप, एच तो पहला जी, टी तो पहला एस। एक ही ऑप्शन है जी, बी, बी आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ जी। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज थैंक्स इज रिटन एज SKNTHA। हाउ विल यू कोड स्टूपिड? SKN फर्स्ट लास्ट दे जो थ्री अल्फाबेट्स हैं, सब तो पहला तो ओ आ गए, की आ जाऊगा DIP। ठीक है, देन जो फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स हैं THA, की आ जाऊगा ST। देखो जी कितने है, DIPSTU, DIPSTU है गया जी कितने, DIP है गया। देखो बच्चे, एस तो एस आ गया, के तो के आ गया, एन तो एन आ गया, टी एच ए, ठीक है, एम ही डी आई पी एस टी यू, कितने भी नहीं आएगा तो आंसर की आ जाएगा नोनो दीज आ जाएगा। बच्चे देखो, अगर सोनू पहला कोड दिता हुआ हो, जिमें कि इस क्वेश्चन के बीच अपना टाइपिंग एरर आया सीगा, लेकिन कई बार एवें भी हो जाता है कि इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज कोड पहला देता इज रिटन एज नॉर्थ दैन द कोड ऑफ टाइगर विल बी। ठीक है, ये तो देखो साफ ही क्लीयरली पता लग रहा है कि टाइपिंग एरर है, क्योंकि इतने अपने सिक्स अल्फाबैट सी ते इतने फाइव अल्फाबैट सी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन एवें भी आ जाता है तो आप की करना है, वर्ड न ही उत्ते लिखना है, कोड न हमेशा नीचे लिखो। ठीक है, क्योंकि जो आपने फाइंड आउट करना है वो आपने की फाइंड आउट करना है, वो आपने वर्ड ही फाइंड आउट करना है। अगर आपने आपू इतें भी कोड गिवन है, फिर वर्ड गिवन है, फिर कोड गिवन है, आप वर्ड फाइंड आउट करना है, तो तुम पहला कोड लिख सकते हो, फिर वर्ड लिख सकते हो, फिर कोड लिख सकते हो, फिर वर्ड तुम फाइंड आउट कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी जो भी प्रैक्टिस सैशन अगे होएगा वो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगी। इतने अपनी अल्फाबेटिकली कोडिंग कंप्लीट होंगी है जी। ठीक है, समझ आ गई है सारे स्टूडेंट्स नू? एक बार मैं की प्रिविजन दे दनी हाँ ये तो, ठीक है, की सी कोडिंग डिकोडिंग तो आपको पता ही है, ये आप किया सब तो पहला अल्फाबेटिकली कोडिंग आपने कंप्लीट करता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली कोडिंग कंप्लीट करता है। हुण आप अगे नंबर कोडिंग, सिंबल बेस, सब्सटीट्यूशन, फिक्टियस, कंडीशनल एंड मैट्रिक्स कोडिंग। जो अल्फाबेटिकली कोडिंग है उसते आपने थ्री लेक्चर इसलिए लगाए हैं क्योंकि 99% चांसेस, मैं दोबारा बोल रही हाँ, कि अल्फाबेटिकली कोडिंग विचों ही एग्जाम दे विच आंदे हुंदे हैं। ठीक है, जो अगे है सिक्स टाइप्स बचियां हैं ये मोस्ट प्रोबेबली थ्री या फोर लेक्चर से विच सोडियां कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, उस तो बाद आपने की किया, उस तो बाद जी आपने इन्हों की वैल्यूज याद की। ठीक है, इजोटी रूल नाल याद है सारे नू, इजोटी दस्या सी, फिर जी सैवन, ग्रुप ऑफ सैवन कंट्रीज, एट एट, आई नाइन, करसिव हैंड राइटिंग वाली, किंग्स इलेवन, एम थर्टीन, आर एटीन, राइट टू वोट। ठीक है, ये सारे एक बार चंगी तरह लर्न कर लियो, अगे सैशनस के बीच काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उस तो बाद मैंने राइट हैंड एंड लैफ्ट हैंड दियां वैल्यूज दसियां सी कि किवें तुसी याद रख सकते हो। ठीक है, वो होया सी एक, देखो ए वी सी अपना कि शर्ट जी, आप शर्ट बोलते हैं, शर्ट के पिछे जी लगा दो। ठीक है, या फिर लव, यह दो वर्ड्स तो भी तुसी 10 वैल्यूज याद कर सकते हो। एच एस हाई स्कूल किया सी, हेट एट, ठीक है, एट एट आ गया। आई आर इंडियन रेलवेज, ठीक है, किया सी आपने, आई आर 99 वैल्यू आ गई। टी जी टी 20, ठीक है, 2020 वैल्यू आ गई। ठीक है जी, एल ओ आप किया सी ना लव, एल 12, तो 12 वैल्यू आ जाएगी। वी ई
ठीक है, ई इज ओटी जाए सी, 5 5 आ जाएगी। मीट एच एच एल एफ एट है, आई अगर लेफ्ट तो 9 है, ता आर राइट तो 9 है, ये समझा रही हूँ मैं, ठीक है। टी लेफ्ट तो 20 है, ता जी राइट तो 20 है, क्लियर है जी, कोई डाउट? ठीक है, उस तो वाला अपने क्वेश्चंस किते सी, ठीक है, जो क्वेश्चंस बचे सी वो मैंने करवाते हैं आज, आई होप क्लियर हो गया होएगा सारे नु, एक बार रिवीजन कर लेना जी, इतने आप अल्फाबेटिकली कोडिंग कंप्लीट करती है, कितों भी कोई भी बुक जो तुसी हुन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं बाद विच प्रैक्टिस सेशंस भी लूंगी, ओदे विच होर प्रैक्टिस हो जाएगी, कि तुम भी तुसी प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा तुसी कमेंट कर सकते हो, आई गारंटी कि इस तो बाहर अल्फाबेटिकली कोडिंग दे विच कुछ नहीं हैगा, अगर किसी दे सामने कुछ आंदा है वो मेरे तो कमेंट करके क्लियर कर सकता है, कमेंट करके वो स्टूडेंट मेरे तो पूछ सकता है जी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास दे विच न्यूमेरिकल कोडिंग दे नाल, क्लासेस लगांदे रहो, पढ़ते रहो, फिर ही तुसी एग्जाम नू क्रैक